पहला निवेदन तो मेरा यह है कि बहुत से संत भक्त और देवियाँ वहाँ मेरे पास पहुँचते हैं, भीड़ रहती है, मैं सबसे कुशल नहीं पूछ पाता और कुशल पूछना मुश्किल है। सबसे कितनी भीड़ रहती है, किनसे पूछूं, कहीं किसी से पूछ लिया तो इसलिए कोई ये अमर्ष न रखेंगे कि मुझसे साहब बात नहीं की। भीड़ में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आप आए हैं तो आप जब चले हैं उसके पहले ही से आपने मुझसे बात की है और मैं भी आपसे बात करने के लिए प्रस्तुत हूँ। अलग अलग न पूछ पाऊँ न बात कर पाऊँ तो किसी के मन में अमर्ष नहीं होना चाहिए। भीड़ जहाँ होती है तहाँ व्यवस्था में त्रुटियाँ होती ही हैं, उसको तो आप लोग सहते हैं और समझते हैं, किस्सा करके ही कुछ होता है, उसके लिए आपको कुछ कहना नहीं। विचार और आचरण ये दोनों की पवित्रता हमारे जीवन की पवित्रता है। विचार जब अच्छे होते हैं तो आचरण भी अच्छे होते हैं, और जब विचार गंदे होते हैं तो आचरण गंदे होते हैं। मन से सब होता है, मन मूल है, मूल गहे ते काम है तय मति भ्रम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी बहे कतह मत जाओ। साहब कहते मूल पकड़ने से काम बनेगा, तुम भटको मत। मन समुद्र है और इच्छाएं तरंगे, उसमें बह करके कहीं मत जाओ। मन और मनसा ये दोनों को वश में करो। गंदे विचार हमारे होते हैं तो गंदे आचरण होते हैं, सही विचार होते हैं तो सही आचरण होते हैं। विश्वासों के विषय में भी बहुत बातें होती हैं, बहुत ऐसे विश्वास हैं जिससे हम भटकते हैं। कहीं चले छूछा घड़ा लेकर के कोई सामने आ गया, विश्वास है कि छूछा घड़ा देखने से अशुभ होता है, ऐसा कुछ नहीं। छूछा घड़ा देखें भरा घड़ा देखें कोई हान लाभ होने वाला नहीं है। भरे घड़े की आशा आप बिल्कुल न करें। किसी ने टोक दिया कि कहां जाते हो तो बहुत खराब हो गया। कोई टोक दे कोई हर्ज नहीं है। पूछे आपसे आप कहां जा रहे हैं, आप दुख न माने, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर धोबी को देखा तो मंगल होगा और तेली को देखा तो अमंगल हो जाएगा। पता नहीं धोबी समाज ने आप लोगों को क्या दे दिया है घूस, और तेली समाज ने आपके घर से क्या चुरा लिया है, जिस प्रकार धारणा बना लिए। दोनों को देखने से मंगल है, सबको देखने से मंगल है, भगवान के दर्शन करने से मंगल है। और भगवान अगर कहीं है तो ये प्राणी है। देखो यहां विराट स्वरूप भगवान बैठा है, नींद खुले, घर के सदस्यों को देखो, जानवरों को देखो, समझो भगवान के दर्शन हुए। पड़ोसी को देखो, ये सब भगवान है, उसमें छोटा बड़ा कौन है। तेली को देखने से खराब हो जाता है, और तेल लेकर के कहीं सामने आ गया तो बिल्कुल विनाश। और रोज सब तेल लगाते हैं और तेल खाते हैं, विनाश नहीं होता है, कितना बड़ा भ्रम है। इस संदर्भ में मुझे याद है जिस दिन मैंने गृह त्याग किया था, नवंबर का समय था, तिथि और तारीख
की याद नहीं है। बढ़ारा हमारा गुराश्रम जन्म स्थान से कोई बहुत दूर नहीं, 7-8 किलोमीटर होगा। वहां से चलता था, आता था गुरु जी के यहां। जब मैं निकला घर से, 53 की बात है, 53 का नवंबर, तो ढोंढे काका तेल लेकर के सामने आ गए। ढोंढे नाम के तेली थे, तेल पेरते थे, हम लोग ढोंढे काका कहते थे। तेल सिर पर रखे, डेलिया में निकले, उधर मुझे देखे, कपड़ा वपड़ा साफ पहन करके कहीं जा रहे हैं, तो उनको दुख हुआ। कहा भैया मैं बहुत गलत समय में आ गया, आप कहीं जा रहे थे, मैं निकल आया। मैंने कहा काका आप निकल आए, मेरा मंगल होगा, आपको देख करके मैं खुश हो गया। कबीर साहब का विचार मुझे मिल गया था, तो भेद तो टूट ही गया था कि कोई शुभ और कोई अशुभ है, मानव मात्र शुभ है। और निकला मेरा सब शुभ रहा, आज भी शुभ है। अंग फड़कने से हानि लाभ होता है, बाएं अंग फड़का दाएं अंग फड़का। स्त्री का अगर बायां फड़कता और पुरुष का दायां तो शुभ है, और स्त्री का कहीं दायां फड़का और पुरुष का बायां तो अशुभ है। ये झूठ बात है, चाहे दायां फड़के चाहे बायां फड़के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये वाय विकार से फड़कता है। आप सपने का बड़ा विचार करते हैं, कितने लोग तो इतना अर्था करके सपन कर कहते हैं, जागेंगे अगर कोई मिल गया बतकही करने के लिए, बड़े विवरण से सपना की कथा कहते हैं। सपना में 1 करोड़ रुपया मिला और नींद खुली तो बिस्तर पर 1 कौड़ी भी नहीं, ऐसे सपने की कथा कहने की जरूरत है? सपना आपने क्या देखा भूल जाओ। स्वस्थ मन और तन का लक्षण है सपने प्रायः भूल जाए। अगर शरीर स्वस्थ है और मन भी स्वस्थ है, सपने तो सबको आते हैं, लेकिन उठने पर कोई खास याद न रहे, कोई कोई थोड़ा मोड़ा हो तो हो, नहीं तो भूल जाए। ये स्वस्थ तन मन के लक्षण है। अब अगर कोई सपना याद हो तो उसकी चर्चा न करो, किसी से न कहो, भुला जाओ, छोड़ दो। सपने से कोई हान लाभ नहीं। शरीर में सोना धारण करने से मंगल है, ये अथर्व वेद में लिखा है, वेद में मैंने सब लिखा है। वेद क्या कहते हैं, पूरा वेद छन करके उसमें सारा विषय आ गए, 121 संदर्भ है। जब लिखने की बात हुई थी तो वेदों का एक सिरे से फिर मनन किया था और उसकी सूची बनाई थी, और फिर सूची के आधार पर पूरा लिखा, चारों वेदों का सब कुछ आ गया है। तो जो है वो सब लिखा है, और फिर उसमें मैंने समीक्षा की, जहां समीक्षा करने लायक है। सोना धारण करने से मंगल है, कुछ मंगल नहीं। सोना का काम है, उसका उपयोग करो। अब कोई धारण करता है तो उसको मैं बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन अंगूठी उंगली में पहनना तो मैं उसका जरूर विरोध करता हूं। विरोध करने मतलब जबान से विरोध करता हूं, कोई लाठी लेके नहीं खड़ा होता हूं। छल्ला मुदरी हाथ में पहनने से गंदगी जमती है और उंगली खराब होती है, ठंडी में ठंडाती है, गर्मी में गर्माती है। आप दाहिने हाथ में पहनते हैं, शौच करेंगे बाएं हाथ से धोएंगे, दोनों हाथ मिला करके मांजेंगे तो बाएं हाथ की बदबू दाएं हाथ की अंगूठी में जाएगी और उसी से आप भोजन करेंगे, अच्छा नहीं। नाखून बड़े बड़े न रखें, सप्ताह 1.5 सप्ताह में काट लिया करें, जिसे गंदगी न रहे। छल्ला मदरी पहनना तो बिल्कुल निरर्थक है, गंदगी जमती और कुछ फायदा नहीं।
सोना दान करने से कोई मंगल नहीं होता, मंगल होता आपके सुंदर विचारों से। दिशा शूल लगता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाशूल, दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। जिस दिन जिस तरफ जाना हो जाओ, कोई अमंगल नहीं। मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर को जाए तो काल है, लेकिन मंगल बुध को भी उत्तर के लिए ट्रेनें बसें छूटती है। इलाहाबाद से फैजाबाद के लिए छूटती है, बंबई से दिल्ली के लिए छूटती है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं। योगिनी दहने है कि बाया है, ये भी भ्रम है। देवता को खुश करने के लिए प्रयास, देवता को खुश करो तो पुत्र मिलेगा, देवता को फूल चढ़ाए, अन्न चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, चलो कोई बात नहीं। देवता को लोग बकरा मुर्गा और सुअर भी चढ़ाते हैं। देवता भला निर्दय होंगे, देवता तो जो है जो दयालु है, वो कैसे चाहेगा कि किसी प्राणी की हत्या की जाए। जब हम किसी प्राणी के गले पर छुरी चलाते हैं वो तड़पता, पीड़ा होती है, देवता कैसे खुश होगा। हमारे मन का भ्रम है, देवता कभी निर्दय नहीं होता। अगर कोई देव पूजन करता है तो उसे नारियल चढ़ाना चाहिए, मिठाई चढ़ाना चाहिए, फल फूल चढ़ाना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। साहब कहते हैं, माटी की कर देवी देवा, काट काट जीव दैया जी, जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। माटी की देवी देवता बना लिए और बकरा मुर्गा सुअर काटने लगे। तुम्हारा देवता अगर मांस का प्रेमी है तो खेत में चरते हुए जानवरों को क्यों नहीं खा लेता है। ये महाभ्रम है कि जीव हत्या करने से देवता खुश होते हैं। मान लो कि जीव हत्या करता है कोई, पूजा करता है, बाल बच्चे बढ़े, धन बढ़ा, तो बाल बच्चे और धन बढ़ते हैं प्रारब्ध पुरुषार्थ से, जीव हत्या करने से नहीं। लेकिन उसमें हम उसको जोड़ लेते हैं। सदैव सत्क्रम में प्रेम रखो। कोई देवी देवता पूजने वाला है वो पूज सकता है, लेकिन सात्विक पूजा होनी चाहिए, जीव हत्या नहीं। और तथ्यता यह है, कबीर साहब का विचार है कि प्राणी देवी देवता हैं, प्राणी की पूजा, प्राणी का सत्कार करो, प्राणी मात्र के प्रति आदर भाव रखो, प्राणियों का आदर करोगे तो यही महान देव पूजन है। विचार सही होते हैं तब आचरण सही होते हैं, मैंने शुरू में कहा था। विचार गलत है तो आचरण गलत है। हमारा विचार पहले सही होना चाहिए। ये गलत गलत विचार जो हमें मिले हैं, ग्रंथों में, पुस्तकों में भी ऐसे शास्त्र हैं जिसमें गलत विचार हैं, प्रवचन देने वालों में गलत विचार होते हैं, बताने वालों में, पुरोहितों में, वो गलत विचार सदैव मनुष्य को गलत दिशा देते हैं। आपको निरक्षीर विवेकी होना चाहिए, स्वयं विवेक की आंखों से देखने की चेष्टा होनी चाहिए। इसी प्रकार भूत प्रेत, प्रेत का मतलब वह जो चला गया, प्रेत कर्म, दाह संस्कार इत्यादि कर्म, प्रेत का अर्थ ही होता है गया हुआ, जीव शरीर छोड़ के चला गया, प्रेत हो गया यानी चला गया। भूत प्रेत की कोई योनि और खानी नहीं है, आपको ये पकड़ नहीं सकते, कुछ है ही नहीं है, मन का भ्रम है। भूत प्रेत के चक्कर में न पड़े। प्रेत वह जो चला गया और भूत बीत गया, इतना ही अर्थ है। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं,
कोई खान ही नहीं, वो भैंसा बन करके, सांप बन करके, बकरा बन करके, ऊंट बन करके आ गए। ये भ्रम है। कोई भी जानवर की देह बनती है अपनी खान के अनुसार। योनि जो है तो माँ बाप के संयोग से, उष्मा जो है तो उष्मा से, और वह शरीर धारण करते हैं, कुछ दिन में बड़े होते हैं। अगर उनका शरीर छूट जाए तो लाश पड़ी रहती है। प्रेत जीवात्मा भैंसा बन गए कैसे? भैंसा बनने के लिए भैंसा और भैंस के संयोग के बाद पड़वा पैदा होता है, 10 महीने 9-10 महीने पर, और वो वर्षों में बड़ा होता है तब भैंसा बनता है। प्रेत तुरंत भैंसा बन करके कैसे खड़ा हो गया? इसलिए भूत प्रेत का केवल भ्रम है, भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं। ऐसी भ्रांतियों से अपने को अलग रखना चाहिए। जीवात्मा किसी का अंश है, ये भी एक विचार है, ये विचार ब्रह्मपूर्ण। जीवात्मा अमर है, अमर किसी का अंश नहीं होता है। ना जायते मृते वाविपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित अजो नित्य शास्त्रोयम पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये उपनिषद कवि से श्रुति का, जो वेद का अंग माना जाता है। ना जायते मृते वा विपश्चित, विपश्चित कहते हैं विद्वान को, पंडित को, ज्ञानी को, लेकिन यहां विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। वो न जन्मता है न मरता। ना जायते मृते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू पैदा नहीं होता है। एक आत्मा दूसरे आत्मा से या किसी परमात्मा से पैदा नहीं होता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, इन वाक्यों, इन शब्दों पर ध्यान देने योग्य। न अयम न यह कुतश्चित किसी से, न बभू कश्चित, बभू पैदा होना, कश्चित कोई, ये किसी से पैदा नहीं होता है। अजो नित्य शास्त्र एवं पुराणों, ये तो अजन्मा है, पैदा कैसे होगा? नित्य शाश्वत है, पुराण पुरुष है, जो जन्मा ही नहीं है वो अंश कैसे है? ये किसी का अंश नहीं है। ये प्रमाण की बात है, युक्त की बात। अंश अविनाशी नहीं होता, अविनाशी अंश नहीं होता, इस पर ध्यान दीजिए। एक 7 हाथ की चद्दर है, 1 फिट काट दी गई तो 7 हाथ की जो चद्दर है वो तो अंशी है, और 1 फिट काट दिया गया वो अंश है। जो अंश काट दिया गया वो और कट सकता है, और 7 फिट जो है जिसमें तो अभी 1 फिट कट गई और वो कटेगी, जो कटेगा और कटेगा, क्योंकि वो जोड़ है, अविनाशी नहीं। अगर परमात्मा टूट टूट करके जीव का जीव रूपी अंश बना तो परमात्मा अब तक टूट के खत्म हो गया होगा, और ये जीवात्मा भी टूट जाएगा, क्योंकि ये भी अंश है तो ये भी संधियों का जोड़ है, ये भी टूट जाएगा, विकारी है। जो विकारी वही टूटता है, निर्विकारी नहीं टूटता है। आत्मा अविनाशी, वो न बना है न बिगड़ता है, न अंश है न अंशी। ये युक्ति की बात है। जो वस्तु अविनाशी होगी अंश नहीं हो सकती है, जो अंश होगी वस्तु अविनाशी नहीं हो सकती है, ये पक्की बात है। अंश है मतलब कि संधियों का जोड़ है, विकारी है, अविनाशी है इसका मतलब ठोस अखंड एक है। जीवात्मा अविनाशी है, अंश नहीं। विशिष्टा द्वैत मत मानता है कि जीव ईश्वर का अंश है। वैष्णव ही जो द्वैतवादी हैं वे जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानते। स्वामी दयानंद
जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानते हैं। अयोध्या में जो वैष्णव संत हैं द्वैतवादी, वे जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानते, केवल विशिष्टाद्वैतवादी मानते हैं। तो एक मत का ये विचार है, ईश्वर अंश जीव विनाशी या ममई वंश जीव लोग के जीव भूता सनातना, ये सार्वभौमिक विचार नहीं। तो पहली बात तो एक मत का ये विचार है, सार्वभौमिक नहीं। दूसरी बात, युक्ति से ये बात सच नहीं, जो अविनाशी है वो अंश नहीं, जो अंश है अविनाशी नहीं। तीसरी बात, प्रमाण, तो जीव ईश्वर का अंश है प्रमाण है, तो ये भी प्रमाण है कि जीव ईश्वर का अंश नहीं है। और ये प्रमाण उपनिषद का है, जो वेद का अंग है, जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कोई किसी से पैदा नहीं होता है, जीव ईश्वर का अंश है, ये भ्रमपूर्ण विचार है। जीव अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण पुरुष है, ये वास्तविक विचार है। शास्त्रों में सब बातें उल्टी और सीधी सब लिखी, उसमें आपको विचार करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से जब पंडित कोई मिलता तो कहते कि क्या तुम शास्त्र ही केवल पढ़ते हो कि ध्यान भी करते हो? पंडित कहता, महाराज ध्यान वन तो नहीं कर पाता हूं, शास्त्र पढ़ता हूं। तो कहते, अरे शास्त्र में तो बालू शकर सब मिला है, बालू भी उसमें है और शकर भी है, बालू शकर दोनों मिले, ध्यान करो, साधना करो। तो शास्त्र में उल्टी सीधी सभी बातें रहती है, जब तक विचारक न बनेंगे तब तक निर्णय न होगा। रामचरितमानस सरल ग्रंथ है, उसी में लिखा है, बोले बिहंस महेश पुनि, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण रघुपति जस करे तेहि क्षण तैसन होए। महेश बिहंस करके बोले, हंस करके बोले, न कोई ज्ञानी है न मूढ़ है, रघुनाथ जिस समय जिससे जो करवाना चाहते वही होता। अब किसी ने चोरी की, वो बुरा थोड़े है, रघुनाथ ने उससे चोरी करवाई। कोई दान किया तो रघुनाथ ने उससे दान करवाया। कोई किसी के घर में कूदा और उसकी लड़के को उठा ले गया, तो उसका दोष नहीं, वो मूढ़ नहीं है, वो तो रघुनाथ ने उसको ऐसे करवाया है उससे। और कोई अच्छा काम किया तो रघुनाथ ने करवाया है, ये तो रघुनाथ पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हो गया। और उसी मानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, ना काहुई कोई सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो आपको निरछीर विवेक करना पड़ेगा, भावुकता में कहां कहा गया है और विवेक में कहां कहा गया है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप आए और कहे, महाराज आपकी कृपा से पानी अच्छा बरसा और धान इस वर्ष अच्छा हुआ है, तो इसमें आपकी भावुकता है, मेरी कृपा से पानी बरसे तो सूखा किसी वर्ष में नहीं होगा, और अगर मेरी इच्छा से पानी न बरसे तो कम से कम अधिवेशन में तो कही दूं पानी को कि भाई अभी अलग रहो। लेकिन ये गुरु लोग अपनी पीठ ठुकवाने के लिए ये सब करवाते हैं। गुरु महाराज 3 दिन हुआ भोजन नहीं किए हैं, क्योंकि पानी नहीं बरस रहा है, तो गुरु महाराज व्रत लिए हैं कि जब तक बरसेगा नहीं तब तक भोजन न करो। मानसून नहीं आएगा, प्रकृति का तुक नहीं बैठेगा, तो गुरु महाराज भूखों मर सकते हैं, पानी नहीं बरसेगा। पानी बरसने के जितने कारण हैं प्राकृतिक, इंद्र पानी बरसाता है, ये वेद में है। तो इंद्र प्राकृतिक शक्ति है, सूर्य पृथ्वी से अपनी रश्मियों से पानी खींचता है, इसलिए आकाश को समुद्र कहा गया है, असली पानी तो वहीं भरा है। प्रेरक वायु चलने पर, जिसको मानसून आज की भाषा में कहते हैं, पानी बरसता है,
पानी बरसने के जितने कारण हैं सब प्राकृतिक हैं, जड़ हैं। ना हवन से पानी बरसेगा, ना प्रार्थना से पानी बरसेगा। और पानी बरस रहा है तो प्रार्थना करो, निकालना चाहो तो निकलेगा नहीं, बाढ़ आ गई। आप वरुण देवता को, इंद्र देवता को, सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते जा रहे हो, भागोगे नहीं तो आप भी बह जाओगे, आग लग गई। हे अग्नि देवता, कृपा करो, क्षमा करो, शांत हो जाओ। वो धधा धधा जलते रहे। पानी छोड़ो, धूल छोड़ो, इसकी जरूरत है। ये सब जड़ है। वेदों में तो ये सबका बहुत वर्णन है और सबको मैंने लिखा है और उसकी समीक्षा भी बताई। तो पानी बरसने के जो कारण है वो जड़ है। उसमें न तो कोई ईश्वर बरसा रहा है जो जानने समझने वाला है, न कोई शैतान उसमें दखल देने वाला है, वो प्राकृतिक है। ज्ञान न होने से आदमी भटकता बहुत है, बड़ा बड़ा भटकाव है। विचारों की अशुद्धि के कारण जीवन में बड़ी गड़बड़ियां और कमजोरियां होती। प्रभु ही कर्म हमारा सुधारे तो सुधरे, हम कौन होते हैं। कोई प्रभु नहीं है जो आपका कर्म सुधार सके। आप और मेरा अपना अपना कर्म अपना बनाया है, अपना ही सुधारना पड़ेगा। तमाकू कोई खाने लगा प्रभु ने खिलाया है, कोई शराब पीता तो प्रभु ने शराब पिलाया है, कोई चोरी करता, हत्या करता, व्यभिचार करता, झूठ बोलता तो क्या प्रभु ने कराया है। आदमी प्रलोभन में पड़ करके स्वयं गलत काम करता है और उसके परिणाम में संताप पाता है। एक आदमी दूसरे आदमी का चित्त शुद्ध कर दे, ये कोई चारा नहीं। गुरु महाराज भी हमारा चित्त शुद्ध नहीं कर सकते, चित्त शुद्धि का रास्ता बताएंगे। उनका चित्त शुद्ध है, उनसे हम प्रेरित हों, उनकी वाणी को ग्रहण करें, चित्त शुद्ध करें। वह हमारा चित्त शुद्ध कर नहीं सकते, अपना अपना चित्त शुद्ध किया जा सकता है। प्रभु चाहेगा तो सब हो जाएगा, ये कहावत बहुत है। और ये कहते कहते लोग अंदर के प्रभु को भूल गए। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला नहीं भीतर वाला जाने। सबके भीतर में जो बैठा है ज्ञाता वह है, ऊपर वाला ज्ञाता नहीं। ऊपर तो आकाश है, बादल उठते हैं, चांद सितारे हैं। आपके भीतर में जो चेतन आत्मा है, आपका स्वरूप है, वो ज्ञाता ज्ञान स्वरूप है। और उसी को समझने की जरूरत है कि क्या गलत है और क्या सही। भगवान की माया हमें नचाती है, एक विचार है। भगवान की माया नचाती है कि आपकी माया नचाती है। माया कहते हैं छल कपट को, तो भगवान धोखेबाज होगा जो छल कपट रखता होगा पास में। आपके मोहल्ले और टोले में एक आदमी 20 आदमियों को लेके छिप के बैठा हो और रात में छोड़ दे और एक गांव में जाकर के हत्या करें, लूट करें, तो आप भागेंगे, दौड़ेंगे, पुलिस को बताएंगे और पुलिस से पकड़वाना चाहेंगे। अगर ईश्वर कहीं छिप के बैठा है माया को लेकर के, आपके ऊपर दौड़ा देता है, तभी परेशानी होती है, तब तो पुलिस से पकड़वाने योग्य हो। ईश्वर करुणाशील है कि धोखा देने वाला है। ईश्वर को तो करुणाशील कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, दयालु कहते हैं, तो माया आपके ऊपर कैसे दौड़ाएगा, वो छल कपट कैसे रखेगा, आपको धोखा कैसे देगा। भगवान की माया नचा रही है, भगवान की माया नहीं नचा रही, अपनी अपनी माया सबको नचा रही। एक आदमी, एक युवक किसी लड़की से मोह करने लगा, तो ये नाच भगवान ने नचाया है कि खुद वो नाच रहा है। खुद नाच रहा है, भगवान ने नहीं नचाया।
सबकी अपनी अपनी माया है। माया है मन का मोह, मोह माया है। मोह को जीतने से माया से मुक्ति होती है। माया हमने बनाई है और अपनी माया हमें ही काटना पड़ेगा, कोई दूसरा काटने वाला नहीं है। गुरु जी भी हमारी हमारे मन की माया को नहीं काट पाएंगे, उसके विषय में भी वो रास्ता बताएंगे और हम अपने मन के मोह को हमें स्वयं काटना पड़ेगा। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि विचारों की गलतियां आचरण की गलतियों में हेतु बनती है। जब तक विचार हमारे गलत रहेंगे आचरण गलत रहेंगे, विचार हमारे सही होने चाहिए। विचार जब सही होता है तब आचरण सही होता है। जब हमारे मन का ये भ्रम कट जाता है भूत प्रेत नहीं होते तो हम झाड़ फूक नहीं करवाएंगे, तंत्र मंत्र में नहीं पढ़ेंगे, गुल्ली ताबीज नहीं पहनेंगे, कहीं भटकेंगे नहीं, छूछा घड़ा देख करके उस पर नाखुश नहीं होंगे, तेली तेल लेकर के आए तो हम नाखुश नहीं होंगे। विचार बढ़िया है तो आचार बढ़िया है। जब हमारे मन का भ्रम कट गया कोई हमारा कल्याण नहीं कर पाएगा, दूसरा हमें ही करना है, तो हम अपने कल्याण के लिए तत्पर हो जाएंगे। धीरे धीरे चलो लेकिन निश्चय सही हो जाए। जैसे हमें कानपुर जाना है और हम पूरब जा रहे थे, बहुत तेज चल रहे थे, जितना तेज चलेंगे कानपुर से उतना ही दूर होते जाएंगे। अब अगर दिशा सही समझ लें, विचार सही हो जाए, ज्ञान सही हो जाए, कानपुर यहां से पश्चिम है, पश्चिम मुख कर लें और चलें, एक एक अंगुल खिसकें तो कभी कानपुर पहुंच जाएंगे। विचार सही होने से हमारा आचार सही होगा, हमारी रहनी सही होगी, हमारी करनी सही होगी, हमारी मंजिल नजदीक होगी। हमें लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। राम राम कहो पाप कट जाएगा, गुरु गुरु कहो पाप कट जाएगा, सतनाम कहो पाप कट जाएगा, एक उत्साह दे दिया गया और धोखा दे दिया गया। अब वो राम राम कह करके, गुरु गुरु कह करके, सतनाम कह करके समझ लेता पाप कट गया। पाप कटने का लक्षण है मन में बुराई न आवे। अगर मन में बुराई है तो पाप कहां कटा है। मन की बुराई जब दूर हो तब मानो पाप कटा है। निर्णय ही गलत है। नाम लेत भव सिंध सुखाई, आपने सुना नाम लेते ही संसार सागर सूख जाता है। एक पवित्र भावना देने के लिए एक साहस दिया गया, कोई नाम जपो अच्छा होगा, जिसमें आपकी पवित्र धारणा है कोई नाम जपो, कोई मंत्र हो, चाहे वेद का मंत्र हो, चाहे बीजक का मंत्र हो, चाहे गुरबाणी का मंत्र हो, चाहे कुरान और बाइबिल का मंत्र हो, किसी गुरु ने मंत्र दिया हो उसके साथ पवित्र भावना है जपो। कोई नाम आपको प्रिय है जपो, अल्लाह नाम, राम नाम, ओम नाम, शिव नाम, जो आपका विचार हो जपो। इससे भी कुछ चित्त में सात्विकता आती है। लेकिन जीवन सुधार तब होगा जब मन के गंदे विचार दूर हो गए। और गंदे विचार दूर नहीं होते हैं तो खाली नाम जपने से एक मशीनी काम। कुछ मत में तो ऐसा है कि एक चरखी लिए रहते हैं हाथ में, बस उसको घुमाते रहते हैं तो समझते जप हो रहा है। तो एक एक आधार बना लेते हैं और असली जगह से हट जाते हैं लोग। स्थूल बुद्धि, धर्म में स्थूल बुद्धि बहुत व्याप्त हो जाती है। धर्म के नाम पर जब अधर्म चलता है तब क्या कहा जाए। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए जीव हत्या करना, ये तो सबसे बड़ा घटिया काम और घोर अज्ञान का काम है। जब हम किसी जानवर के गले पर छुरी रेतेंगे
तब देवता खुश होगा, ईश्वर खुश होगा, ये कोई समझ की बात हुई? और धर्म में जब ये हस्ताक्षर है तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? और धर्म में बहुत बहुत गलत फहमियां और अंधविश्वास हैं, इसलिए धर्म का नाम लेकर के आदमी को बेवकूफ बनाया जाता है। जहां धर्म कह दिए, सड़क के किनारे एक शिवलिंगी रख ली, हनुमान जी को रख ली, या मस्जिद का चिन्ह बना लिए, बस अब उसको हटाना सरकार को बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्म की बात हो गई। और ये सब अपने स्वार्थ के लिए लोग करते हैं। मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, जमीन खरीद लो, उसमें बनाओ। जब मैं यहां पहली बार आया 75 में, तो जमीन देखी, 76 में जमीन ली, तो जमीन के लिए बहुत लोग मिले, कहे महाराज सरकारी जमीन ये है, यहां बैठ जाओ बस, आप तो संत हैं। हम कहे नहीं, वैसा मैं नहीं बैठू। यहां तक कि जिससे मैंने जमीन ली थी करीब 1.5 एकड़, 1.25 एकड़ प्रीतम नगर में जो अपना आश्रम है उसके पश्चिम तरफ, 5,000 रुपया बयाना दिया। साल भर बीत गया, रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी क्योंकि सरकार ने मास्टर प्लान लगा दिया था। तो कहते थे कि महाराज आधा रुपया आप दे दो और कब्जा करो, लेकिन मैंने नहीं किया, जमीन मालिक ही कह रहा था। जब सरकार ने ले लिया तो जब इंजीनियर मुझसे मिलने आया तो हमारे एक सज्जन ने कहा कि यहाँ पर जमीन ली गई थी लेकिन हम लोग छोड़ दिए। कहे महाराज जब जमीन मालिक ने दिया और पैसा आप आधा दे देते जैसे वो कहता था, आप बैठ जाते, घेर लेते, तो हम लोग बाहर वाली जमीन ले लेते, आपको छोड़ देते, क्योंकि आप सब अच्छा काम कर रहे हैं और आप सरकार की जमीन नहीं हड़पते, पब्लिक से जमीन पैसा दे के ले रहे हैं, तो आपको रखना चाहिए था, लेकिन मैंने रजिस्ट्री नहीं होती है इसलिए छोड़ दिया। तो वहां का प्लाट खरीदा, उसकी रजिस्ट्री हुई और आश्रम बना, फिर इधर खरीदा गया, और यहां जितना खरीदा गया सब पैसा दे देकर रजिस्ट्री करवा कर किया गया काम। तो आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, देवता बैठाओ, आपकी खुशी है, जमीन खरीद लो, रजिस्ट्री करवा लो, तो उसे करो। अनधिकृत चीज ले लेकर के सरकार को सख्त